विधानसभा क्षेत्र से निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में बुधवार को देवडी पंचायत के पूर्व मुखिया से वर्तमान मुखिया प्रतिनिधि प्रोफेसर धनंजय कुमार सिंह ने अपना नामांकन पत्र दाखिल किया। निर्वाची पदाधिकारी से भूमि सुधार उप समाहर्ता मठोरा के कार्यालय में अपना नामांकन पर्चा भरने के बाद बाहर निकलते ही समर्थकों ने प्रोफेसर श्री सिंह का फूलमाला पहनाकर स्वागत किया। मठोरा के लिए प्रोफेसर श्री सिंह अपने सैकड़ों समर्थकों के साथ पैदल ही निकल पड़े। समर्थकों ने रास्ते में जगह जगह उन्हें रोक कर फूलमाला पहनाकर स्वागत किया। नामांकन के उपरांत प्रोफेसर श्री सिंह ने कहा कि यह निर्दलीय चुनाव नहीं तरैया की जनता का चुनाव है। तरैया वासियों के प्यार और समर्थन का मैं आभारी रहूंगा। तरैया की जनता ने मन बना लिया है। इस बार शिक्षित व योग्य उम्मीदवार ही तरैया का विधायक बनने की बातें कही। D11 TV के लिए तरैया से नीरज कुमार नवल की रिपोर्ट। सबसे पहले तो मैं आज भगवती माता के चरण में हूँ और उन्हें पहले सत्सत नमन करता हूँ और आप सभी चैनल वालों को बहुत नमस्कार और धन्यवाद देता हूँ। साथ ही साथ यह निर्दलीय चुनाव नहीं, यह तरैया की जनता का चुनाव है। जो आज धनंजय सिंह का अपार समर्थन और प्रेम मिल रहा है, मैं सदा तरैया विधानसभा वासियों का सदा आभारी रहूँगा और उसे सत्सत नमन करता रहूँगा कि आपने जो प्रेम और स्नेह दिया वह सदा आप लोगों के साथ हमारा बना रहे और मैं आपके कर्तव्य जो भी है वह आपके साथ निभाऊं।